इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इस लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज जवानिया आज आपके लिए लाया हूँ ये 7.5 का जनरेटर है, और ये अल्टरनेटर करंट नहीं बना रहा और बारिश में रखा हुआ था उस वजह से ये करंट नहीं बना रहा। तो इसे हम चेक करते हैं, इसके डायोड चेक करके, और डायोड निकाल के एक एक हम डायोड चेक करते हैं। देखें इस तरीके से चेक करे जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बोलते हैं डायोड जब हम मीटर में लगाते हैं बीप पे सेटिंग करके, और फिर हम डायोड चेक करते हैं जहाँ बीप करता है, साउंड करता है, तो वहाँ पे जब डायोड को लगाएंगे तो एक तरफ बोलेगा और एक तरफ नहीं बोलेगा। तो ये देखें, क्योंकि डायोड जो होते हैं वन वे होते हैं, इनसे चीज़ जा सकती है आ नहीं सकती। तो ये देखें, इनको हम चेक कर रहे हैं, और एनोड कैथोड भी बोलते हैं इन्हें, मतलब प्लस माइनस जिसे हम बोलते हैं उसे प्लस माइनस नहीं, एनोड कैथोड बोलते हैं, तो आप उस हिसाब से बोल सकते हैं ना। जिन भाइयों के समझ में नहीं आता उन्हें प्लस माइनस की तरह से, मतलब कोई भी चीज़ है जो तरीका उन्हें अच्छा लगे वो समझ में आ जाए, बस समझे चाहते हैं। तो डायोड चेक करके हमने निकाले इनके कोई कौन कौन से डायोड ख़राब हैं। उसके बाद डायोड निकालने के बाद इसकी हम वाइंडिंग चेक करेंगे। ये देखें, एक एक करके हम सारे डायोड चेक कर लेते हैं निकाल के। क्या होता है जब सामने वाला कहता है जी हमें नहीं पता करंट नहीं बना रहा था, बाकी तुम चेक करो, तो हमें सब चेक करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि वो बताते हैं जी करंट बना रहा है लोड नहीं ले रहा, कोई कहता है कि लोड ले रहा है करंट नहीं बना रहा, तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, तो मीटर एक तरफ बोल रहा है हमारा और एक तरफ नहीं बोल रहा, तो ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। और जब एनोड कैथोड हम चेक करते हैं, एक तरफ एनोड कैथोड बोलेगा एक तरफ नहीं बोलेगा। हम एनोड कैथोड मतलब दो तार होती है डायोड की दोनों तरफ, तो एक एनोड होती है एक कैथोड होती है, तो इस तरीके से हम इसे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों एक तरफ बोल रही है और एक तरफ नहीं बोल रही, तो इनमें से एक डायोड हमारा ख़राब लग रहा था हमें। हम चेक कर लेते हैं, वाइंडिंग भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, जिसके चार तार निकलते हैं नीचे से, दो हमारे कार्बन, एक कार्बन कैची से आता है, एक डायोड प्लेट से आता है नीचे की। तो ये देखिए, हम दोनों बारीक तार लगा लेते हैं, दोनों बारीक तार लगा के चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम बॉडी से भी लगा लेते हैं। बारीक हमारा बॉडी से तो नहीं बोल रहा, और बारीक आपस में बोल रहा है। ये हमारा कंडीशन पहले रहती है कि जब तक ये नहीं है काम करेंगे, मतलब बारीक बारीक आपस में बोलने चाहिए और बॉडी से नहीं बोलने चाहिए। और ये मोटे मोटे चेक कर लेते हैं हम, जो इनसे एक कार्बन कैची से और एक डायोड से आ रहा है। तो ये देखें, और ये हमारा बॉडी से नहीं बोलना चाहिए, ये बॉडी से भी चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा कई बार होता है कार्बन कैंची बॉडी से बोलता होता है और कर्ण नहीं, हम चेक करते रहते हैं कर्ण नहीं बनाता। तो ये देखो, बॉडी से हमने चेक कर लिया दोनों तार, तो ये कर्ण कब करंट की समस्या हम चेक करते हैं। तो ये देखें, अब हम इसमें डायोड लगाते हैं, और डायोड लगा के, क्योंकि हमारी वाइंडिंग सब सही बोल रही है और अर्थिंग भी नहीं है, अब हम डायोड लगा के चेक करते हैं, आओ देखते हैं।
तो ये देखें दोस्तों, हमने इसके तार लगा दिए हैं प्लेट में, जो बारीक बारीक हैं वो आमने सामने कर दिए, और जो कार्बन कैंची और डायोड के हैं वो हमने आमने सामने कर दिए। तो आपको इसी तरीके से आमने सामने रखना है, और रख के इसमें पेंच लगा देना है प्लेट में। पहले पेंच लगा दें इसमें दबा के, और उसके बाद हम डायोड लगाते हैं जो एनोड कैथोड करके, और प्लस माइनस कर देते हैं हम। जो वाइट वाइट है वो प्लस मान लेते हैं, और जो जिस तरफ कुछ भी नहीं है उधर माइनस मान लेते हैं। उस तरफ इस हिसाब से आप एक तरफ सफ़ेद वाले कर सकते हो दोनों सिरे, और एक तरफ माइनस वाले मतलब जो काले हैं एक तरफ से उन्हें कर सकते हो। आमने सामने ये करना है, बाकी डायोड के कनेक्शन आपके सीधे हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो इधर के डायोड हैं वो उनका वाइट सीधा एक तरफ होना चाहिए, और जो दूसरी बारीक फील्ड है सामने उसका भी वाइट वो काला सिरा एक तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप रख के इन्हें अच्छी तरीके से टाइट कर दें, तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से सही से डायोड आपको लगाने हैं। आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। आपको जो सिल्वर है वो एक तरफ होना चाहिए बारीक की तरफ, और जो सिल्वर के पीछे वाला वो काले वाला सिरा वो आपका बारीक वाली की तरफ एक तरफ होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसे रख के ये देखें जो हमें मेन तार निकालनी है बिजली की, वो हमें इसमें से हमें ये तार दो निकाल देने हैं। जो ये मोटे तार है मतलब एक कार्बन कैंची से नीचे से आया है, और एक नीचे से डायोड में से आया है, उनमें हमें मेन तार लगा देने हैं। और लगा के उसके बाद हमें इसे स्टार्ट करके वोल्टेज चेक करने हैं। तो हम इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर देते हैं। और जो कई बार ऐसा होता है कि हमने इस तरीके से लगा तो दिए क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं है प्लस किधर है माइनस किधर है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। जब हमारा सिल्वर का हिस्सा जो हम सामने करा था वो हमें सिल्वर काले की जगह सिल्वर कर देना है, और जो जहाँ काला करा था वहाँ पे सिल्वर कर देना है, और जो हम सिल्वर करा था वहाँ काला कर देना है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो आमने सामने। वो मैंने इस पर कई वीडियो बना रखी है, और जो मैंने आपको करके भी दिखा दिया दोबारा, तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से कनेक्शन हो रहे हैं। और आपको ये ध्यान रखना है लूजिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी। लूजिंग रहने से क्या होता है कि स्पार्क करता है, स्पार्क करने से हमारे जल्दी डायोड फूक जाते हैं, और जब भी लूजिंग रहेगी डायोड फूकेंगे और तार भी हमारा फूक जाएगा, लोड भी सही से नहीं लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कहीं से भी कोई बोर्ड तार कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और बॉडी से अर्थिंग नहीं होना चाहिए, और लूजिंग नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, और वोल्टेज चेक करने के बाद इसमें हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारे कनेक्शन सही है। एक बार आप दोबारा नज़र मार सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के बाद दोबारा चेक करना ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि हम कनेक्शन गलत कर देते हैं, तार गलत लगा देते हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो ये देखें अब हमने सही करे हैं, और वो हमें हैंडल नहीं मिल रहा, तो अभी हम चेक करते हैं दोबारा, आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो इस आप कनेक्शन देखे होंगे, तो आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें।